हंडिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान द्वारा जन क्रांति यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के हंडिया विधानसभा समाजवादी पार्टी पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेश चंद्र मौर्य रहे। जन क्रांति यात्रा जनपद प्रयागराज के हंडिया विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की गई। इस कड़ी में जनपद प्रयागराज के भीटी बाजार में हंडिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा नेता डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य ने जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जन क्रांति यात्रा के दौरान हंडिया के बरौत में हंडिया के पूर्व विधायक प्रशांत सिंह हंडिया विधानसभा उपरदहाक में सपा ने संजय मौर्य का स्वागत किया। वहीं हंडिया बाजार में हंडिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी निधि यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया। वहीं सपा कार्यकर्ता ने नारा लगा दिया कि मजबूरी है सुरेश मौर्य जरूरी है। क्या था आज जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय सिंह चौहान का आगमन हो रहा था, जो रथ यात्रा निकाले हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हम लोग इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लोग इकट्ठा कर उनका स्वागत किए हैं और 2022 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक जन आक्रोश है, क्या आगड़े, क्या पिछड़े, क्या दलित अल्पसंख्यक, सारे लोग एकत्रित होकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 2022 में बनाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प के साथ सारे लोग एक साथ